अभी हम लोग बेसिकली 8 SEC का 7.3 का एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो है प्रोपोनल वॉक के बारे में। तो आई विल ट्राई टू कवर बेस्ट मेथड और इजिएस्ट मेथड सो दैट वी कैन सॉल्व। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना। तो इसके दो तीन दो ही एक ही तरीका है, कैन उसी के ऊपर सारा खेल है। मतलब बहुत जगह पे मैंने देखा है कि सीपी का अलग सा फॉर्मूला, एसपी का अलग सा फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट का अलग सा फॉर्मूला, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला अलग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि दो फॉर्मूले थे, परसेंटेज प्रॉफिट वाला, परसेंटेज लॉस वाला। तो दोनों सेम ही है, बस ऊपर का जो न्यूमरेटर वाले वो थोड़ा चेंज होता है, बाकी सब सेम ही। अगर आप सारे क्वेश्चन उसी एक ही पैटर्न से करोगे तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। स्टार सो विल ट्राई टू डू दिस सेम। सो नाउ यू कैन से मिस्टर केडी कुलकर्णी परचेज अ हॉर्स फॉर 6,500। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कॉस्ट प्राइस, बताया 6,500। उन्होंने उसको सेल किया सेम डे पे, तो ये 7,150। तो उन्हें पूछा कि फाइंड दी परसेंटेज गेन। ऑब्वियस है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज पी का फॉर्मूला आता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। और ये याद रखिएगा डिनोमिनेटर सीपी क्यों आता है, क्योंकि ऐसा लॉजिक होता है जो चेंज हो रहा है। मतलब जब कभी कोई परसेंटेज निकालना, डिनोमिनेटर पे हमेशा उसकी वैल्यू होती है जो हमेशा फिक्स होता है। तो कॉस्ट पे आप जो खरीदेगा वो फिक्स होगा, सेलिंग प्राइस कैन भी इधर उधर हो सकता है, राइट। तो इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा में कॉस्ट का देता है। आप परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लो या परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लो, आपको डिनोमिनेटर को सीपी ही मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल डू, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालने के लिए बोला है। तो ये 7,150 माइनस 6,500 अपॉन 6,500 इंटू 100। ये 00 को 00 तो आता है 7,150 माइनस 6,500, तो आता है 650 आता है। ये 650 आया अपॉन 65, तो आपका आंसर आया 10%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुरप्रीत परचेस अ हैंड टीवी सेट फॉर 7,000। परचेस किया देखो 7,500, उसने सेल किया है 7,125 को, और तो परसेंटेज लॉस पे चाहिए। अभी लॉस के ऊपर सेलिंग प्राइस कम ही थे, तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, परसेंटेज लॉस ये जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसी के वैसे फॉर्मूला बनता है। ऑब्वियस है, डिफरेंस पॉजिटिव आना मतलब इस केस में कॉस्ट पे ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। ये आपका फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। तो आया 7,500 माइनस 7,125 अपॉन 7,500 इनटू 100, 800। तो इसका आंसर क्या आएगा, 375, 375 डिवाइड बाय 75। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 375 डिवाइड बाय 75, तो आता है 5, आपका 5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर परचेस अ गुड वर्थ 8,000। ओके, परचेस किया, शॉपकीपर के बारे में बोल रहे हैं, उसने परचेस किया तो 8,000 मिलेगा उसको, सोल्ड डे में 7%। तो सीपी दिया हुआ है, एचपी दिया हुआ, ओके, परसेंटेज प्रॉफिट दिया 7%, हमें निकालना होगा एचपी का। हम लोग एक्स मानते, हम एचपी लिख सकते हैं, एक चीज में सिंगल वेरिएबल मतलब एक सिंगल वर्ड कैरेक्टर में, तो इजी जाएगा। परसेंटेज पी जी को सेम लगे, प्रॉफिट है इसलिए एसपी बड़ा होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज पी कितना है, 7 है, एसपी कितना है निकालना है, सीपी कितना है 8,000, तो देखो 8,000 को 8,000 है। अभी देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 7 = x - 8,000 अपॉन आया 50 आया। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन यानी वन आता है, बराबर है, जब भी कभी इक्वल टू साइन आता है तो हमारा टारगेट होता है कॉस फंक्शन का। तो इन दोनों क्वांटिटी शेयर कर दो, इन दोनों क्वांटिटी 80 × 7, ये 1 × ये पूरा ब्रैकेट डालना होता है, क्योंकि ब्रैकेट कब डालना होता है जब आपके पास एक से ज्यादा दो पैरामीटर, ज्यादा पैरामीटर, एक से ज्यादा पैरामीटर, जैसे यहाँ पे दो पैरामीटर, वो 8 से 560 आए इक्वल टू
एक्स माइनस 8000 है, ये माइनस ही देगा प्लस होगा, तो 8000 प्लस 5 6 3 तो आएगा 8 5 6 0 4 6, ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आर्टिकल विच वेयर ब्रॉट फॉर 1600, ब्रॉट के ले लें एंड सोल्ड इन, ओके कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1600, सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं, परसेंटेज लॉस कितना दिया 3%, फाइंडिंग सेलर रिसर्च सेलिंग प्राइस, तो भाई 3 इक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया परसेंटेज लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, तो 1600 माइनस एक्स अपॉन 1600 इंटू 100, जैसे मैंने बताया डिनोमेटर पर हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है कोई भी फॉर्म में, लॉस को अगेन का, तो ये 00 का 00 है, तो दिखेगा ऐसा 1600 माइनस एक्स अपॉन 16। और मैंने पहले ही बताया जब भी कभी इक्वल टू साइन तो आपको हमेशा क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 माइनस एक्स, तो 48 इक्वल टू माइनस एक्स लगा, तो 48 प्लस एक्स इक्वल टू 1600, एक्स इक्वल टू 1600 माइनस 48, एक्स इक्वल टू रहेंगे 1600 माइनस 48 1.52, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखें, और सोहम ब्रॉट अ सेकंड हैंड फ्रिज रेफ्रिजरेटर फॉर 2000, ओके उसने जो सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर है 2500 में, और उसको रिपेयर के लिए, ओके उसको रिपेयरिंग भी किया है, तो ऑब्वियसली आपको इतने पर पड़ा है, जैसे कि अगर मान लो अगर आपने कोई खाना खाने के लिए कहीं 40 50 किलोमीटर जाते हो, आपको भले वापस सस्ता मिलता है, मान लो 75 मिलता, लेकिन जाने आने का जो खर्चा लगता है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है, याद रखिएगा, तो इस केस में आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये इतने को मिला है, तो भले उसने सेकंड हैंड लिया उसको रेफ्रिजरेटर मतलब रिपेयरिंग किया है, तो ये इसको एक्चुअली मिला कितने का, लगता है 2500 का, लेकिन सब मिला कितने का एक्चुअली खर्चा 3000 रुपये का, और उसने वो बेचा कितने को 3300, तो 3300, तो परसेंट अभी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 3300 माइनस 3000 डिवाइड बाय 3000, क्यों लिखना है मैंने पहले बताया डिनोमेटर में से कॉस्ट करते हैं 00 को 00 में, तो आए 300 आए डिवाइड बाय 3 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और शॉपकीपर ने 200 बल्ब किए और 10 इंच, ओके अगर शॉपकीपर ने क्या किया, देखो 200 बल्ब खरीद किए हैं 10 रुपए के लिए, तो उसको मिला कितना एक्चुअली, उसको वो पड़े उसको 2000 रुपए, लेकिन हावेवर 5 बल्ब वेयर फ्यूज, ओके 5 बल्ब उसमें से खराब हुए, तो 200 में से बचे कितने, 5 बल्ब खराब हुए तो बचे कितने 195 बचे, ओके उस अभी जो खराब हुए बल्ब तो बेच नहीं सकते, तो 195 बचे, तो उसने वो बेचा कितने को 12 रुपीज, कितना 2 3 4 दे, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ी है, परसेंटेज पी इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP 2 3 4 0, ये 340 इंटू 100, ये 800 800, इसको आएगा वो आएगा ये 340 तो 17% आएगा, ठीक Recording in progress. है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पैटर्न देखिए फिर आपको पता चलेगा कैसे करना है, ओके तो क्वेश्चन क्या है देखिए,
बाय सेलिंग अ ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर 7,500। ओके, बोल रहा है कि सेल करना है उसको 7,150। तब लॉस परसेंटेज कितना होता है? 12% होता है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था? जो बाय सेलिंग ओल्ड रेफ्रिजरेटर 7,500 एंड मैन लेसर 12%। तो उनका कहना यह है कि इससे हमें क्या मिलेगा? देखो, एसपी पता है, परसेंटेज लॉस पता है, हमें इससे सेफी मिलेगा। उनका ये क्वेश्चन है कि वो कितने को सेल होना चाहिए था ताकि उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हो? 12% हो। अभी दिक्कत ये है कि इसमें आपको एसपी पता नहीं और सीपी भी पता नहीं है। तो उनका कहना ये है, उनका इंटरनेट है, इस फॉर्मूला यूज करके आप सीपी फाइंड करो, वही सीपी आप यहाँ पे यूज करो, क्योंकि वही रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे ना, अगर ये रेफ्रिजरेटर उसने इतने को बेचा है, उसका 12% लॉस होता है, तो उसने कुछ कुछ का तो खरीदा होगा ना, जब इसको 12% लॉस हो रहा है बेचने के बाद। तो उनका कहना ये है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, उसने कितने को बेचा होता तो उसको प्रॉफिट 12%। तो मैं इस क्वेश्चन से पहले सीपी नहीं कहूंगा, ये सीपी इस फॉर्मूला में यूज करूंगा जिसका मुझे प्रॉफिट पता है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो वही लॉजिक, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू रिजल्ट। ये आपका आ गया 12%। सीपी आया एक्स, एसपी आया 7,150 अपॉन एक्स इनटू, ये डिवाइड है। देखिए यहाँ पे, देखिए सेम लॉजिक, यहाँ पे कुछ नहीं बने, इक्वल टू साइन हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देख, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले भी एक चीज होती है, बेस एक होना पड़ेगा। ये जो 100 है, ये 100 एक न्यूमरेटर के लिए आ गया, ये ऐसा है। तो 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वन क्रॉस इंडेक्शन। सो 12 इज इक्वल टू 100 इज माइनस 7,150। चलो ठीक है, ये वाला फॉलो। इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं? ओके, तो अभी ये जो 7, बाकी सारी चीजें अभी इस तरह पे लिखा है, मतलब जैसे कि देखो ये माइनस है, इधर जगह प्लस होगा, तो 7,150 2,50 100x, ये जो प्लस इधर का माइनस होगा, तो -2 रहता है, तो आया आपका 88x इक्वल टू 7,150। 7,150 डिवाइड बाय 88, ऐसे कितना है? 8,125। एक्स कितना है आपका? एक्स आया 8,125। ये जो एक्स है वो आपका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना? तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8,125, राइट। अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे परसेंटेज पी इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, परसेंटेज पी कितना है? 12। एस पी मुझे निकालना है, सी पी कितना दिया है? 8,125 डिवाइड बाय 8,125 इंटू 100। देखो सेम लोग, यहाँ पे कुछ यानी वन है ना, ये जो 100 है ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या कर रहे पहले, तो एक्स माइनस 8,125 इंटू 100 अपॉन 8,125 इक्वल टू 12 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्रॉस इंटरसेक्शन का इक्वल टू साइन, क्रॉस इंटरसेक्शन, तो 12 इंटू 8,125 इक्वल टू 100x माइनस 8,125। ये जो माइनस है इधर का प्लस होगा, अभी इससे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8,125 इंटू 12 कितना है? 9,750। ये जो माइनस है इधर का प्लस होगा, 100। अभी जो प्लस इनका प्लस करना पड़ेगा, मैं माइनस से जगह प्लस हूँ, इसको मैं प्लस किया, प्लस 8,125 00 कितने ही, और इसको डिवाइड बाय 100 करना, तो डिवाइड बाय 100 पर 2 जीरो निकल जाएगी, तो 9,100।
9100 तो ये बता रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट वो 9100 को बेचता है तो उसका कितना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला किया राइट, बाय सेलिंग रेफ्रिजरेटर किया, ओके, अ डीलर सोल्ड अ स्विंग मशीन 717 सोल्ड है, यानी सेविंग सेलिंग करके 17 लॉस कितना गया? 5%। एट व्हाट पर शुड ही सेल, उसने बोले कौन से प्राइस पर उसे सेल करना चाहिए था कि ताकि इसको प्रॉफिट कितना हो सके। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, वही क्रॉस प्राइस में यहाँ पे डालूंगा तो क्या आएगा, परसेंटेज लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एक्स एसपी अपॉन सीपी। तो फाइव इक्वल टू सी पी कितना है 50, एस पी कितना है 1710 अपॉन एक्स इंटू 100। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 इक्वल टू है राइट, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो इसको जाता है तो इक्वल टू है, तो एक्स माइनस 1710 इंटू 100 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5 अपॉन, तो आता है 100x माइनस 1710 और 800 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/1। कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 5 इक्वल टू 100x माइनस 1710, ये जो माइनस रहेगा प्लस होगा, 1710 इक्वल टू 100x माइनस 5x, सो 95x 1710 1710 डिवाइडेड बाय 95 कितना है, एक्स कितना हुआ 180। ये आपका क्या है, कॉस्ट पे आया, मैंने जैसे बताया ये कॉस्ट पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये कॉस्ट पे अभी अभी सेम पैटर्न, ये वाला कॉस्ट पे आपका 180 आया है, प्रॉफिट पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 1 मिनट क्या आया था, 180 आया था राइट, ओके, तो क्रॉस प्राइस आ रहा है 180, यही लगाना है, तो परसेंटेज पी इक्वल टू एस पी पता है आपको, नहीं कॉस्ट प्राइस पता है 180 अपॉन 180 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस कितना आपको 5%, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, जैसे मैंने ये 100 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि A0 को A0 राइट, और आप देखोगे तो 5/1 इक्वल टू एक्स माइनस 180 इंटू 10 अपॉन 18, ये डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 18 इंटू 5 इक्वल टू 10x माइनस 180 90 इक्वल टू 10x माइनस 180, ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा, तो 90 प्लस 180 इक्वल टू 10x माइनस, ये 0 आया, ये 9 आया, ये 8 आया, इक्वल टू 10x, एक्स की वैल्यू कितना है 189, इस तरह ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन वेयर सोल्ड द सोफा सेट 7000, ओके एस पी दिया हुआ है 7100, वो वुड लॉस परसेंटेज लॉस दिया आपको 20%, व्हाट मस्ट बी सेल, तो कितनी को बेचने जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 20%, कितनी को बेचने जाएगा वो पता है क्या, नहीं तो सेम, और इसके बेस पे आप क्या करोगे,
सीपी निकालर, और यही सीपी दोनों के लिए एप्लीकेबल, याद ये सीपी इसको भी एप्लीकेबल इसको भी। तो इससे पहले आप सीपी निकालते हैं, वो सीपी यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आएगा ये परसेंटेज एल इक्वल टू सीपी, सीपी पता है क्या मुझे, नहीं, एक्स माइनस 7200 अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज लॉस कितना दिया आपको 20%। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नहीं ये जो 100 ऊपर वाली मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20x इक्वल टू 100x माइनस 7200 ये प्लस इधर माइनस होगा, ये माइनस इधर प्लस होगा, तो ये आएगा 7200 इक्वल टू 100x माइनस 20, तो 80x 7200 7200 अपॉन 80 इक्वल टू एक्स, नौ आठ बहत्तर तीन, आ रहा ना सीपी बराबर है, आई तारा सीपी परसेंटेज पीछे कैसे, तो 20 इज इक्वल टू एच पी कितनी, एक्स माइनस 9000 अपॉन सी पी, सी पी कितनी है 9000 इंटू 100 00000, इतना कहना है मुझे 1 है बराबर है क्रॉस 80, तो 1 नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ चेक टर्म, एक्स माइनस 9000 एक एक्सेप्ट होने में, हाँ जीरो ने, हाँ जीरो कट होता है खूब देना चाहिए उसके, कि बहुत लोग बोलते हैं ये जीरो कट करते हैं, नहीं रूल क्या बताता है, रूल ये बताया अगर इनके बीच में मल्टीशन साइन हो तभी आप कट करते हो, आप इनके बीच में मल्टीशन साइन है क्या, नहीं है पे माइनस का प्लस माइनस साइन है, जब भी कभी प्लस माइनस साइन हो तो आप डिविजन नहीं कर सकते, मल्टीशन हो तभी कर सकते हैं, तो ये 900 जो डिवाइड है जगह मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा ये माइनस इधर प्लस करो, नौ हजार और 1800 कैंसिल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 13 करना होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक बाय सेलिंग का बेड कवर का 440 एसपी दिया है, 450 दिया है, पहला परसेंटेज लॉस होते हैं 4%, व्हाट अमाउंट शुड बी सेल सेल करा था इतने अमाउंट माहित नहीं, जेनेकरून त्याला परसेंटेज प्रॉफिट किती होतो 20%, ह्याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता, कॉस्ट प्राइस करू शकता, हो ना, इथे तुम्ही कॉस्ट प्राइस करणार ए स्क्वेअर मध्ये तुम्ही इथे टाकायचं हे लक्षात ठेवा, मग तेच लावते 4 इक्वल टू बरोबर परसेंटेज लॉस इक्वल टू फॉर्मुला क्या है अपना सीपी, सीपी कितना है पता नहीं इसका, एक मिनट माइनस 4.2 अपॉन एक्स इनटू 100, इधर का नाम मुझे 1 और डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पता ना, 4 एक्स इक्वल टू 100 एक्स माइनस 4500 डबल 0, ठीक है। अब ये माइनस इधर का प्लस होगा, तो 45 और 100x माइनस 4 है कितना है 96x, तो कितना है ये 45, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 460.75, 21 जो आपका सीपी है वही सीपी आपको इसमें डालना, तो परसेंटेज प्रॉफिट होने प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, सीपी कितना है भैया, सीपी मुझे मिला ये
468.75 डिवाइड बाय 468.75 इंटू 100, ठीक है, सेम लॉजिक, ये जो 100 इसको मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 100x माइनस 468.75, ये जो डिवाइड है इधर देखो मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 20 इंटू 468.75, तो 100x 468.75 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 468.75 × 20 93.75, ये माइनस करो मतलब बता है ना, तो 93.75 प्लस 468.75 इक्वल टू 100x प्लस 468.75 कितना 56 टू 51, हम मल्टीप्लाई कर 56 टू 50 अपॉन 100 इक्वल टू 100, आधे रोल आधे रोल बना, ठीक है ना, 562.5 इक्वल टू, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग इसका पार्ट टू बनाएंगे, इसका पार्ट टू हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये 7.3 का हुआ, इसका पार्ट टू